हेलो बच्चों, अपने लास्ट वीडियो में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल देख रहे थे और ये भी देख लिया ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे बोलते हैं, ये किस तरह परफॉर्म होता है। ठीक, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली परफॉर्म विद इन 28 डेज, इसीलिए इसे वन लूनर मंथ साइकिल भी बोलते हैं। ठीक, और ये जनरली तीन फेज में परफॉर्म होता है। कौन कौन से? एक प्री ओव्यूलेटरी फिर पहले मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, फिर प्री ओव्यूलेटरी और थर्ड के पोस्ट ओव्यूलेटरी। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज हम जनरली उसे बोल रहे हैं जिसमें क्या होता है, मेंसेस रिलीज होते हैं। ठीक है, और ये हर एक साइकिल में स्टार्टिंग के 3 to 5 डेज तक कंटिन्यू होता है। ठीक है, और मेंसेस हम जनरली किसे बोल रहे हैं, वो पूरा फ्लूइड मटेरियल विच हैव बीन फॉर्म ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ मसल बंडल्स, एंडोमेट्रियम लेयर। ठीक है, अब अगर हम मेंस्ट्रुअल फेज में देखें तो जनरली क्या होता है कि 20 ml ब्लड पर डे क्रॉस होता है फीमेल बॉडी से। ठीक है, दैट इज 20 ml मेंसेस is being released per day। ठीक, तो इस तरफ से हर एक साइकिल में अराउंड 40 to 80 ml ब्लड लॉस हो जाता है। ठीक, अब मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा था कि एंडोमेट्रियम की लेयर शेड हो रही थी। ठीक है, और वो वेजाइनल ड्यूट के थ्रू बॉडी से क्या जाएगी, बाहर जाएगी, जैसे कि हम क्या बोल रहे थे, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल फ्लो और मेंसेस। ठीक है, इसके अलावा हम देख रहे थे प्री ओव्यूलेटरी फेज में जनरली क्या हो रहा था कि प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो है वो प्राइमरी फॉलिकल्स में चेंज हो गए, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, और टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। ठीक है, एंड ईस्ट्रोजन। FSH जो है इसको सिक्रीट करने का काम कौन करता है, इंटीरियर पिट्यूटरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन GnRH व्हिच इज रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ठीक है, FSH क्या करेगा, प्राइमोडियल फॉलिकल्स को प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी फॉलिकल फाइनली फॉर्म क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, अब प्री ओव्यूलेटरी फेज ऑफ जनरली बोल किसे रहते हैं, फ्रॉम 5th और 7th डे से लेकर 14th डे तक, मतलब कि मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मिड ऑफ द साइकिल। ठीक है, ये मिड उस साइकिल का ये मिड होगा जो साइकिल 28 डेज में रनिंग हो रही है। ठीक है, तो अब ये पूरा है इसमें जितने भी इवेंट हो रहे हैं वो सारे हो रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH एंड LH। ठीक है, अब प्री ओव्यूलेटरी और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के बीच में एक इवेंट और होता है, दैट इज ओव्यूलेशन। ठीक है, और ओव्यूलेशन कब होता है, एट 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब ओव्यूलेशन के लिए जरूरी होता है LH। अब ये जो ईस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा है ना फ्रॉम फॉलिकल्स, ठीक है, बोला था कि ग्रेवियन फॉलिकल की जो थीका इंटरनल लेयर होगी वो थीका इंटरनल लेयर भी क्या करेगी, ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करने का काम करेगी। ठीक है, और साथ में इस टाइप के ईस्ट्रोजन ऑटोमेटिकली सिक्रीट होते रहते हैं। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस, दैट इज GnRH। ठीक है, अब ये ईस्ट्रोजन क्या करेगा, ये पॉजिटिव फीडबैक देता है, किसको पॉजिटिव फीडबैक देगा, टू हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक देगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी को जैसे ही पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा LH का सेक्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसी LH का सेक्रेशन को हम क्या बोलते हैं, LH सर्ज। ठीक है, और LH सर्ज की कंडीशन में ही ओव्यूलेशन परफॉर्म होता है। तो ओव्यूलेशन जनरली किसे बोल रहे हैं, रैप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल टू रिलीज ओवम और एग। ठीक, ओव्यूलेशन किसे बोल रहे हैं, रैप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल टू रिलीज ओवम और एग, इसे हम क्या बोल रहे हैं, ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन किस कब होता है, जब साइकिल में LH सर्ज, मतलब कि LH का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा।
ठीक है। तो एलएच जो है वो इन्फ्लुएंस करता है किसको, ओव्यूलेशन को। अगर हम एलएच के सिक्रीशन को उस टाइम पे हाइपोकंड्रेशियम में ही रहने दें तो ओव्यूलेशन परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है, तो ओव्यूलेशन परफॉर्म नहीं होगा। या फिर अगर फीमेल बॉडी में ईस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन अपनी हाइपोकंड्रेशियम में है तो वो हाइपोकंड्रेशियम में ईस्ट्रोजन जो है वो भी ओव्यूलेशन को परफॉर्म नहीं होने देगा, क्योंकि अगर ईस्ट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कम है तो हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलेगा फॉर एलएच, और अगर एलएच सिक्रीट नहीं हो रहा है तो ओव्यूलेशन परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना ओव्यूलेशन। इसके बाद पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज हम जनरली किसे बोलते हैं, ग्रेफेट फॉलिकल जिसने रिलीज क्या किया था, ओवक और एग। इसके बाद फॉलिकल्स जितने भी बचे, जो भी सारा फॉलिकल का मटेरियल बचा हुआ है उसे हम जनरली क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब इसी फॉलिकल से ब्लड वेसल्स जो है वो क्या होने लगेगी, फिल्ड अप, इसमें वैस्कुलैरिटी प्रेजेंट हो जाएगी, और इसी वैस्कुलैरिटी को प्रेजेंट होने के बाद हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस हेमोरेज। अब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है और प्रेगनेंसी मेंटेन हो रही है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये 9 मंथ तक स्टेबल रहेगा, ठीक है, और 3 to 4 मंथ तक ये क्या रहेगा, हाईली एक्टिव रहेगा, और क्या सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये चेंज हो जाएगा किसमें, कॉर्पस एल्बिकस, ठीक है, और हम देखेंगे धीरे धीरे डी जनरेट होने लगेगी, ठीक है। तो अब 26 डेज पे क्या होता है, डी जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, और फिर 28 डेज से क्या हो जाता है, मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो सारा इवेंट था मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब थोड़ा सा देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल, और ओवरी जो है उसे सीक्रेट किसका होता है, ईस्ट्रोजन का एंड प्रोजेस्टेरोन का, और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ये दोनों क्या है, मेनली रोल प्ले करेंगे इन बिल्डिंग अप ऑफ यूट्रस और इन डीजनरेसी ऑफ यूट्रस, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम आगे देखें तो ईस्ट्रोजन जो है ये पॉजिटिव फीडबैक देगा किसको, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब जैसे ही ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को, क्या सिक्रीट होना स्टार्ट होगा, एलएच, और जैसे ही एलएच सिक्रीट होगा मतलब कि एलएच सर्ज वाली कंडीशन होगी, क्या अकर होगा, ओव्यूलेशन, ठीक है। इसके अलावा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है
ये क्या करेंगे, नेगेटिव फीडबैक देंगे। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक किसको देंगे, हाइपोथैलेमस। कब नेगेटिव फीडबैक देंगे, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब जब नेगेटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस को, तो वो क्या करेंगे, इस वजह प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा बाय लोडिंग ऑन FSH एंड LH। और जैसे ही इस वजह प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन कब होगा, यूटेरस की वॉल लेयर, जो एंडोमेट्रियम की वॉल लेयर बनी होती है, वो क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट ध्यान में रखना। ये पूरा सीक्वेंस है जिसके थ्रू जर्मिनल एपिथेलियम जो ये ग्रेफियन फॉलिकल की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ग्रेफियन फॉलिकल से फिर क्या बनते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। अगर इसे तो थोड़ा और एक्सटेंड करें तो कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस हेमोरेजिकम। ठीक है, और फिर क्या बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। दो कंडीशन हो सकती है फिर से, क्या, एक तो अगर फर्टिलाइजेशन रिजल्ट हो, या फिर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाए, एब्सेंट हो जाए। ठीक है, तो अगर पॉसिबिलिटी ऑफ कंडीशन में अगर फर्टिलाइजेशन रिजल्ट हुआ है, ठीक है, तो ये क्या रह जाएगा, स्टेबल रह जाएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये चेंज किसमें हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस में। ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगी, डीजनरेट। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट भी ध्यान में रखना, ये डायरेक्टली एग्जाम टाइम पढ़ने में काम आएगा सारे शॉर्टकट। अब अगर हम देखें रोल ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है, तो अपना पहला हॉर्मोन है GnRH, गोनेट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन, विच इज सीक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जनरली ट्रिगर करेगा, किसको ट्रिगर करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल टू अंडरगो ऑल इवेंट्स। ठीक है, और साथ में सिक्रीट करवाएगा किसको, FSH को एंड LH को। फिर अगला हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये रोल प्ले करेगा इन डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स एंड फाइनली फॉर्मिंग अ मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, और साथ में FSH जो है, ये एक हार्मोन और सिक्रीट करवाता है, दैट इज इनहिबिन, सिक्रीट करवाएगा इनहिबिन। ठीक है, फिर उसके बाद अपना थर्ड हार्मोन है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेन काम इसी LH का है, अदर देन प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, LH क्या कराएगा, ये अपनी LH सर्ज की कंडीशन में किसको प्रमोट करेगा, ओव्यूलेशन।
किसका? इनहिबिट। अब जैसे नाम से क्लियर है, क्या करेगा? इनहिबिट करने का काम करेगा। ये क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक के थ्रू क्या करेगा? FSH एंड LH के सिक्रीशन को अपनी हाइपोकंडीशन में ले जाएगा, मतलब कि FSH एंड LH के सिक्रीशन को क्या करेगा? सप्रेस करने का काम करेगा। कौन? इनहिबिट। ठीक है, फिर इसके बाद अपना लास्ट वन बोले रिलैक्स। ठीक है, ये रिलैक्स क्या करेंगे? ये लेबर के टाइम पे प्यूबिस सिम्फाइसिस को रिलैक्स करने का काम करेंगे। क्या करेंगे? प्यूबिस सिम्फाइसिस को रिलैक्स करने का काम करेंगे और सर्विक्स वॉल को डाइलेट करने का काम करेंगे। ठीक है, कब करेंगे? एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन के टाइम क्या करेंगे? प्यूबिस सिम्फाइसिस को रिलैक्स करने का काम करेंगे और सर्विक्स वॉल को डाइलेट करेंगे ताकि प्रॉपर स्पेस क्रिएट हो सके फॉर डिलीवरी ऑफ बेबी आउटसाइड द बॉडी फ्रॉम फीमेल। ठीक, तो ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल था विद हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है।